एक्सरसाइज 6.3 का सेकंड क्वेश्चन है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा हमें, इन फिगर 6.35 फिगर दे रखी है, ओ डी सी एंड ओ बी ए ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। देखो ये फिगर है हमारे पास, इसमें ओ डी सी ट्राइंगल, ओ डी सी ये ट्राइंगल किसके सिमिलर है, ओ बी ए के सिमिलर दे रखी है। एंड बी ओ सी एंगल दे रखा है 125 डिग्री का, बी ओ सी ये वाला एंगल और सी डी ओ सी डी ओ ये एंगल दे रखा है 70 डिग्री का। हमें निकालना है सबसे पहले, देखो एंगल डी ओ सी ये एंगल निकालना है, एंगल डी सी ओ ये एंगल निकालना है, एंड एंगल ओ ए बी और ये एंगल निकालना है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को हम, सबसे पहले ये एंगल निकालते हैं। डी ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये पूरा एंगल 180 का होगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको नाउ, एंगल कौन सा डी ओ सी, एंगल डी ओ सी प्लस 125 डिग्री इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री, क्योंकि डी ओ बी क्या है एक स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या बनाएगा लीनियर पेयर, ठीक है। उसके बाद 120 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125, 180 में से 125 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा ये 55 डिग्री, तो ये वाला एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री, ठीक है। अब उसके बाद ये सी एंगल निकालते हैं, कौन सा डी सी ओ ये वाला एंगल निकालते हैं, तो लेते हैं नाओ इन ट्राइंगल डी सी ओ, डी सी ओ ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होगा 180, तो लिखेंगे इसको एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल डी सी ओ, तीनों का सम किसके इक्वल होगा 180 डिग्री के इक्वल, ट्राइंगल के एंगल हैं तीनों, तो ओ डी सी की वैल्यू है हमारे पास कितनी 70 डिग्री, प्लस डी ओ सी की वैल्यू हमने निकाली अभी कितनी है 55 डिग्री, तो ये है 55 डिग्री, प्लस एंगल डी सी ओ, डी सी ओ की वैल्यू हमें निकालनी है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 75 प्लस 55 125, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125, तो ये कितना आ जाएगा डी सी ओ एंगल 55 डिग्री, ये एंगल भी कितना आ गया हमारा 55 का। अब तीसरा एंगल हमें निकालना है ओ ए बी एंगल, ये एंगल निकालना है ओ ए बी ये वाला एंगल, कैसे निकालेंगे देखो नाउ गिवन में हमें क्या दे रखा है, नाउ ट्राइंगल ओ डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ओ बी ए, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो देखो ये जो वाला जो एंगल है ओ डी सी ट्राइंगल में ये सी एंगल, ठीक है, तो ये ओ सी डी क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो एंगल ओ सी डी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ सी डी, तो क्या लेंगे ओ ए बी, ये आ जाएगा एंगल ओ ए बी के इक्वल, ओ ए बी की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो ओ सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं कितनी है 55 डिग्री, तो ये 55 इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल क्यों हैं, बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से दोनों एंगल इक्वल, तो ओ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, देखो तीनों एंगल की वैल्यू निकाल चुके, क्या आ जाएंगी तीनों की वैल्यू 55 55 एंड 55। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन, डायगनल ए सी एंड बी डी ऑफ ए ट्रेपीजियम ए बी सी डी विद ए बी पैरल डी सी, ए बी और डी सी पैरल दे रखे हैं, डायगनल जो है किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल शो दैट ओ ए बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, पिछली एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन, लेकिन इस एक्सरसाइज में ये क्या कहता है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का यूज करके हमें ये प्रूव करना है, मतलब दो ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूव करेंगे फिर ये प्रूव करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे हम, ये दो ट्राइंगल लेते हैं ए ओ बी ट्राइंगल और सी ओ डी ट्राइंगल, तो लेते हैं इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये और ये एंगल दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, इक्वल हो जाएंगे, तो क्या लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, कौन से एंगल हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वल होंगे। अब देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ए बी और सी डी पैरेलल दे रखी हैं, तो ये और ये क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, तो कैसे लिखेंगे इनको एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ओ डी सी
दोनों कौन से एंगल हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब तीसरा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर हैं, तो लिखेंगे एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी, ये दोनों भी क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब देखो इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के इक्वल हैं, तो बाय लिखेंगे बाय एंगल 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 प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ डी। देखो जो एंगल जिसके इक्वल है उसके साथ में ये लिखेंगे, एंगल सी के इक्वल था, इस ट्राइंगल का ओ एंगल इस ट्राइंगल के ओ एंगल के इक्वल, ऐसे ही। अब देखो ये दोनों सिमिलर हैं, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनकी कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शनल होंगी, हमें कौन कौन सी साइड चाहिए बोलेंगे हम, तो ए ओ अपोन सी ओ, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, ए ओ अपोन सी ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ओ बी अपोन ओ डी, तो ये ओ बी अपोन ओ डी ये आ जाएगा, ए ओ अपोन सी ओ, ओ बी अपोन ओ डी, यही हमें प्रूव करना था, तो लिख देंगे हैंस प्रूव। ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, इन फिगर, फिगर में ये दे रखा है, गिवन में दे रखा है क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और एंगल वन एंगल टू के इक्वल है। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, गिवन में हमें दे रखा है सबसे पहले तो क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, और गिवन में क्या दे रखा है, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये भी हमें गिवन में दे रखा है, तो क्या करेंगे, देखो नाउ हमें प्रूव करना है पी क्यू एस ट्राइंगल, पी क्यू एस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है टी क्यू आर ट्राइंगल के, तो देखो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो वन टू के इक्वल है, नाउ क्या लिखेंगे, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ब्रैकेट में लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन में दे रखा है, तो एंगल वन देखो ये एंगल है, इसके अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर, तो एंगल वन के अपोजिट साइड है क्या, पी आर इज इक्वल टू एंगल टू, एंगल टू के अपोजिट साइड कौन सी हमारी, पी क्यू, तो पी आर किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू के। ठीक है, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन सेकेंड, तो अब क्या आ जाएगा, नाउ दोनों ट्राइंगल लेते हैं हम, ट्राइंगल पी क्यू एस एंड टी क्यू आर, तो लेते हैं नाउ इन ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर टी क्यू आर सॉरी टी क्यू आर पी क्यू एस और टी क्यू आर ट्राइंगल में, देखो ये जो क्यू एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन है, तो लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन लिख दो, या एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों में क्या है ये, कॉमन। ठीक है, उसके बाद ये एंगल इक्वल है दोनों में, और अब इसके साथ में ये दोनों साइड हैं, इनको क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल प्रूफ, देखो कैसे, क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपोन क्यू टी अपोन, देखो पी आर, पी आर को हमने किसके इक्वल प्रूव किया, पी क्यू के, तो पी आर की जगह क्या लिखेंगे हम, पी क्यू, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ये कहाँ से आ गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मिला के। अब देखो क्यू आर अपोन क्यू एस, क्यू आर अपोन क्यू एस, क्यू टी अपोन पी क्यू, क्यू टी अपोन पी क्यू, तो दोनों साइड क्या आ गई, प्रोपोर्शनल, इस ट्राइंगल की दो साइड इस बड़ी वाली ट्राइंगल की दोनों साइड के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो दो साइड प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल है, तो क्या आ जाएगा, बाय एस ए एस कॉम एस ए एस प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ऐसे सिमिलरिटी क्राइटेरिया से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर, यही हमें प्रूव करना था।